हेलो दोस्तों, यदि आपकी भी फेसबुक पेज के अंदर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू आया हुआ है तो आज के इस वीडियो में आपको ऐसी ट्रिक बता देंगे जिसकी मदद से आप फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी के इशू को रिसोल्व कर पाओगे। दोस्तों, यदि आपके पास फेसबुक का पेज हो, चाहे फेसबुक का प्रोफाइल हो, कुछ भी हो, आप सभी प्रकार का जो क्राइटेरिया है, जैसे 60,000 मिनट चाहिए होती है वो पूरे कर लेते हैं, 5,000 फॉलोअर है वो भी पूरे कर लेते हैं फेसबुक पेज के अंदर या फेसबुक प्रोफाइल के अंदर, लेकिन आपके सामने एक समस्या आती है जी, वो आती है फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी की। यदि आपके फेसबुक पेज में कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी की इस प्रकार की जो समस्या है वो आई हुई है तो आप चुटकियों में भी इसको ठीक कर सकते हो। दोस्तों, हमने इसको जो है बहुत ही आसान तरीके से ठीक कर लिया है। आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते हो, जो हमने जो पहले आपको दिखाया था वो हमारे चैनल पर पहले आई हुई थी समस्या, वो हमने ठीक कर ली है। अब देखिए इस प्रकार से आया हुआ है कि हमारी जो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी की जो समस्या थी वो ठीक हो चुकी है। दोस्तों, आप किस प्रकार से इसको ठीक कर सकते हो आज के इस वीडियो में बिल्कुल स्टेप टू स्टेप और बारीकी से बताएंगे। आज इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, आप देख रहे हो इसके भी हरियाणवी चैनल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें, भाई कोई भी फेसबुक पेज, कोई भी फेसबुक प्रोफाइल को मोनेटाइजेशन करने के लिए कॉन्टेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का पालन करना ज़रूरी है। तो जी, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होती है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, आपको एक बार थोड़ा सा डिटेल में समझा देते हैं। दोस्तों, फेसबुक के कुछ रूल होते हैं, फेसबुक के कुछ नियम होते हैं, उन्हें हमें पालन करना होता है यदि हम फेसबुक से पैसा कमाना चाहते हैं। तो दोस्तों, फेसबुक के जो नियम हैं वो ये कहते हैं कि आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, आपका खुद का कंटेंट होना चाहिए, आपने किसी दूसरे का किसी भी प्रकार का कंटेंट यूज नहीं करा होना चाहिए, तभी आपका पेज जो है एलिजिबल होता है फेसबुक से पैसे कमाने के लिए। इसे बोलते हैं जी फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी। तो दोस्तों, जो नॉर्मली हम कोई भी फेसबुक पेज बनाते हैं उसके अंदर किसी भी प्रकार की वीडियो डालना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद जैसे ही 5,000 फॉलोवर आपके कंप्लीट होते हैं, 60,000 मिनट का वॉच टाइम पूरा होता है, तो आप सोचते हो जी हम इसको मोनेटाइजेशन कर लें, लेकिन आपके सामने एक समस्या खड़ी होती है जी, वो होती है कॉन्टेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी की। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक तरीका अपनाना है जी, वो हमने जो अपनाया था वो आपको बता देते हैं। आपको जो है एक बात ध्यान में रखनी है, जैसे आपका कोई भी पेज आपने बना रखा है फेसबुक का, तो उसके अंदर आप किसी भी प्रकार का कंटेंट यदि डालते हो तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा बदलाव करना जी, थोड़ा सा ध्यान में रखना जी, इस वीडियो को ध्यान में सेव कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो में बारीकी से आपको बता रहे हैं कि भाई किस प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन करोगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दें, यदि फेसबुक पेज के अंदर इस प्रकार की जो समस्या है, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी की समस्या यदि आती है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी जो ओरिजिनल वीडियो है वो अपलोड करनी स्टार्ट कर देना नहीं है, और आपके जो शॉर्ट वीडियो है, रील है, वो भी आपको आपकी ओरिजिनल रील अपलोड करनी है एक हफ्ते के अंदर। देखना, यदि आप एक हफ्ते के अंदर लगातार आप अपने जो पर्सनल और खुद की वीडियो और खुद के जो रील है वो डालना स्टार्ट कर दोगे, तो दोस्तों एक महीने के बाद ऑटोमेटिक ही ये मोनेटाइजेशन पॉलिसी वाला इशू समाप्त हो जाएगा। आपने पिछली वीडियो को भी एनालाइज करना है, नियम है वो उल्लंघन करती है, तो उसको आप उसको अपने फेज से हटा सकते हो। दोस्तों, इसके लिए सिंपली सा ये ट्रिक है कि जी आप अपनी खुद की वीडियो डालना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपका फेसबुक पेज मोनेटाइजेशन हो जाए। सिर्फ और सिर्फ ये तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि आप इस समस्या का समाधान कर पाओ। चाहे आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर कितने भी वीडियो देख लेना जी, आपको इस समस्या का समाधान कोई नहीं बता पाएगा जैसा हमने यूनिक तरीका आपको बताया है। आप इस तरीके को अपना के देखिए, आपका फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू है वो समाप्त हो जाएगा। आपका ये इशू समाप्त नहीं होता है तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके पेज को चेकआउट ज़रूर करेंगे और बताएंगे भी किस प्रकार की समस्या आपकी रहती है। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को तुरंत से फॉलो और लाइक कर लीजिएगा, और यदि आप यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बिल्कुल बारीकी से बता दिया भाई किस प्रकार से कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को ठीक करा जा सकता है। तो नए वीडियो मिलेंगे किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम जी।